हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऊजा कंपनी का एम्पलीफायर का रिव्यू करेंगे जिसका मॉडल नंबर है SS5000EM और ये बहुत ही पुराना ओल्डा एम्पलीफायर है और ये एम्पलीफायर बिल्कुल ही चालू है। बस हम इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं और कौन कौन सा इसमें सामान लगा है, कितना इस पर लोड डाल सकते हैं, यही सब बारे में आप लोगों को आज जानकारी दूंगा। तो मैंने इसका जो नट वगैरह है उसको भी खोल लिया है, तो हम पहले इसका कवर है उसको बाहर करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किस तरह एम्पलीफायर है और इसके इंटरनल सर्किट के बारे में समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इसका इंटरनल सर्किट है। तो ये सबसे पहले ये हमारा ट्रांसफार्मर है, टोरिडा ट्रांसफार्मर, जो कि हमारा एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। एसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए लगाया गया है एक ट्रांसफार्मर को। और ये हमारा लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर है, जो आउटपुट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये वो वाला ट्रांसफार्मर है। और ये दोस्तों इसका ड्राइवर बोर्ड है और ड्राइवर बोर्ड देख सकते हो ऊजा कंपनी का ओरिजिनल ड्राइवर बोर्ड है। और ये इसका इनपुट सेक्शन है और इधर ये ट्रांजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस लगाया गया है। इधर ये चार रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस, ये छह रेजिस्टेंस इस पार लगा है और साथ ही में इसका इस तरफ भी छह रेजिस्टेंस लगा है, क्योंकि टोटल इस पे 12 ट्रांजिस्टरों का सेट है ये। और इसका जो ब्रिज एक्टिफायर है दोस्तों, इस पे 3 ब्रिज एक्टिफायर लगाए गए हैं जो कि एक डीसी सप्लाई के लिए काम करता है। जैसे कि अगर हम बैटरी पे ऑपरेट करते हैं तो एक ब्रिज एक्टिफायर काम करता है, और एसी में अगर हम सप्लाई ऑपरेट करते हैं तो ये दो ब्रिज एक्टिफायर कनेक्ट होकर सिंगल से काम बनाता है। तो दोस्तों ये इसका इंटरनल पार्ट है और देख सकते हो इसमें दो कैपेसिटर का भी यूज़ किया गया है। और ये 500 वाट कहना कहे दोस्तों, लेकिन ये 500 वाट से बहुत ही ज़्यादा लोड लेता है। हम 700 से 800 वाट तक इस पे लोड देकर चलाते हैं और बहुत ही मक्खन की तरह चलता है एम्पलीफायर। और ये इसका इनपुट सेक्शन देख सकते हो, ये हमारा हॉर्न चलाने है तो यहाँ से कर सकते हैं, और ये हमारा बॉक्स के लिए हम इधर कर सकते हैं। ऑक्स 1 है दोस्तों और ये ऑक्स 2 है। तो इस तरह ये एम्पलीफायर है और ये बहुत ही पुराना मॉडल एम्पलीफायर है। ये मॉडल बंद हो गया है, ये कम से कम 15 से 20 साल पुराना मॉडल है। और इसका जो पीछे की तरफ मैं आप लोगों को दिखलाने का कोशिश करता हूँ, तो ये हमारा 4 ओम दिया है और 8 ओम दिया है, 4 ओम 8 ओम। और ये हमारा लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर चलाने के लिए दिया गया है। और ये इसका इनपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, इसका सीरियल नंबर और ये ओरिजिनल है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। तो ये वीडियो बस आज इतना ही, और मैं इसको एक बार ऑन करके भी दिखला देता हूँ। ये जो हमारा एम्पलीफायर है पूरी तरीके से चालू है, तो हम इसको ऑन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पावर ऑन हो गया है और बॉक्स मोड में है अभी। गाना तो नहीं ऑपरेट कर सकता हूँ दोस्तों। बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नया आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।